My name is Junaid, and currently we are living in USA. We read the news about 6 children. They died in a house fire in Lahore, which is no doubt a very, very sad incident, and it's a very big loss for the family, and definitely it is not recoverable. So what can we do next to prevent such losses? देखें जी, हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हिडन होती है. हमें वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और सॉल्यूशंस की जानिब जाना चाहिए, एंड वी शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. दुनिया में इस तरह के इंसिडेंसेस से बचने के लिए क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं? इट इज़ कॉल्ड अ स्मोक डिटेक्टर अलार्म. ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसमें 9 वोल्ट की एक बैटरी डलती है. इन USA ये मैंडेटरी है कि ये हर घर में होना चाहिए. ये क्या करता है कि ये आपके घर में स्मोक की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, और साथ ही कंटिन्यूसली एक लाउड जो है ये अलार्म या बीप देता है. ये इतनी लाउड होती है कि अगर आप सो भी रहे होते हैं तो आप उठ जाते हैं, विच मीन्स दैट कि घर में या तो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या कोई फायर है. इफ़ यू कैन टैकल इट विद अ फायर एक्सटिंग्विशर, इट्स ओके, अदरवाइज यू जस्ट वैकेट द प्रेमिसेस ताकि आप अपनी जान बचा सकें. मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान में हर घर के अंदर इस तरह का स्मोक अलार्म होना चाहिए. ये आई थिंक पाकिस्तान में अवेलेबल है. अगर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, देन द मल्टी नेशनल्स एंड अदर कंपनीज, दे शुड टेक इनिशिएटिव एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान. इट्स अबाउट $10 इन हियर, विच इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग एज फार एज योर लाइफ इज़ कंसर्न. ये अपने हर घर में लगाएं, हर घर में आपके होना चाहिए. एटलीस्ट किसी बड़े इंसिडेंस होने से पहले आप अपनी अर्ली वार्निंग में आप अपनी लाइफ बचा सकते हैं. गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉ बनाए इसके ऊपर और इसको मैंडेटरी करे हर घर के अंदर. दिस इज़ एन अवेयरनेस मैसेज. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर कीजिए, और ताकि लोगों को इस तरह की डिवाइसेस का पता लगे और लोग अपने घरों में इंस्टॉल कर सकें और शायद किसी की जान बच सके. अगर आपको स्मोक डिटेक्टर के अलार्म के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस. आप मुझे ईमेल किस कर सकते हैं, और मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू. थैंक यू वेरी मच.